कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ अंतर्राज्य जल निवारण समीक्षा समिति के चेयरमैन डॉक्टर रोहताश शर्मा ने बानसुर के मेहनगढ़ में हुए किसान सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामवासियों ने शिरकत की। मंत्री राठौड़ ने इस मौके पर डॉक्टर शर्मा को विकास पुरुष बताते हुए क्षेत्र में अनेकों विकास कार्यों की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहताश शर्मा की विधानसभा बानसुर क्षेत्र में आज पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ पहुंचे और बानसुर क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की तारीफ की। इस दौरान स्कूल क्रमोन्नत किए जाने और गौरव निर्माण सहित कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर राठौड़ ने वसुंधरा राजे सरकार में हुए 4 सालों के विकास कार्यों को जनता के बीच रखा। राठौड़ ने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं से भी आम जन को अवगत कराया। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि अब सरकार ने जो योजना चला रखी है, सरकार की योजना है कि कोई ढाणी ऐसी नहीं बचे जहां 5 घर हो और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़े नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं बचे जहां स्वच्छ पानी नहीं हो। मैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से कहूंगा। इस दौरान बानसुर पूर्व विधायक एवं कैबिनेट मंत्री ने भाजपा सरकार को विकास की पार्टी कहा। उनका कहना था कि बानसुर में हर क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है। मैं आज के दिन मैं गांव वालों को हम ये बताने आए हैं कि जितना भी विकास का काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी से पहले इस गाँव में 1 नए पैसे का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। किसी भी गाँव में कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया। जितना राजस्थान में काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। गांव में स्कूल हमने खोला, सब सेंटर हमने खोला, गांव में गौरव पथ जो बड़ी शान का विषय है गौरव पथ हमने खोले बनाए और जितनी भी सड़कें हैं जो कनेक्टिविटी की जो रोड से विलेज कनेक्टिविटी की वो सारी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। पानी के विषय में कभी किसी कांग्रेस की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप ये डार्क जोन बन गया। पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं जिन्होंने ईस्टर्न कैनाल योजना लेकर के आई है और ये 2021 में हमारा अलवर जिला इससे लाभान्वित होगा। पूरे जिले में पानी के की कमी नहीं रहेगी। पीने के पानी के अलावा 4 लाख हेक्टर जमीन को हम सिंचित करने का भी हम काम करें।